सरकार वैसे नहीं मानती, शांति से नहीं मानती, सरकार प्यार से नहीं मानती, सरकार मानती है वोट की चोट देने से। किसानों ने अपनी मांगों को एक ऐसी सरकार से मनवाया है जो किसी की सुनती ही नहीं है। ये हमारे मांग पूरी नहीं होगी ने तो हम दोबारा भी आ सकते हैं। तो आज हम जीत के जा रहे हैं तो खुशी का तो कोई हम बता नहीं सकते कितनी खुशी आज हमें। सो आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी, तुम आंदोलन में चट्टान की तरह लड़े थे, तुम खड़े थे, तुम खड़े। जय हिंद, जय भारत। 26 नवंबर 2020 से लेकर आज 11 दिसंबर तक ये किसान आंदोलन ऐसे ही चलता हुआ आगे बढ़ा, यानी कि एक साल से भी ज़्यादा इस आंदोलन को चलते हुए हो गया। और बात करें गाजीपुर बॉर्डर की या फिर सिंधु बॉर्डर की या फिर टिकरी बॉर्डर की, तो इन तीनों बॉर्डर पर जब भी हम देखते हैं तो इन एक साल से ज़्यादा का समय ये किसान हमेशा इन बॉर्डर पर, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश का समय हो या फिर गर्मी हो, उसी तरीके से अपनी मांगों को लेकर डटते हुए नजर आए। लेकिन 9 दिसंबर को एक आश्वासन सरकार की तरफ से किसानों को दिया गया और इसके ऊपर इन लोगों ने कहीं ना कहीं सहमति जताई। सहमति जताते हुए सभी किसान अपने घर की ओर रवाना होते हुए शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम लोग टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आप देखेंगे पीछे का नज़ारा या फिर आगे का नज़ारा, तो जिस तरीके से हमने आपको अपनी हमेशा दिखाया है कि टिकरी बॉर्डर पर कितने ज़्यादा भीड़ नज़र आती थी, किसानों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज की बात करें तो आज आप देखेंगे धीरे धीरे सब किसान जितने भी हैं वो अपने घर की ओर रवाना होते हुए शुरू हो चुके हैं। गाड़ियाँ आ रही हैं, इनकी जितना भी सामान है ये पैकिंग होना स्टार्ट हो चुका है। ये जो बैम्बू के बड़े बड़े टेंट लगाए गए हैं और या फिर दूसरी तरफ टेंट देखेंगे, ये पूरे रोड पर बहुत ज़्यादा मात्रा में टेंट नज़र आते थे, लेकिन अगर आज की बात करें 11 दिसंबर की बात करें तो ये सब खुलना इस वक्त शुरू हो चुके हैं। अभी यहाँ पर बहुत से किसान भाई मौजूद हैं, एक बार उनसे बात करेंगे किस तरीके का माहौल यहाँ बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुणा सिंह। कितनी खुशी आज आपको? खुशी का तो कोई अंदाजा नहीं है। हमें जीत, मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें जो फर्स्ट डे था मेरा सिंधु बॉर्डर से शुरुआत हुई थी, क्योंकि पंजाब के लोग सिंधु बॉर्डर आए थे तो हम उसका स्वागत करने के लिए आए थे, तो तभी भी मेरे को आइडिया हो गया था हम जीत के जाएंगे। तो भगवान का हमारे ऊपर हाथ था और हमारी मेहनत थी तो हमें पक्का पता था हम जीत के ही जाएंगे, क्योंकि हम न्याय के साथ खड़े थे। अच्छा, जब आप पहले दिन यहाँ आई थी तब लगा था कि ये आंदोलन एक साल तक चल जाएगा? नहीं, हमें ये नहीं पता था लास्ट तक भी कि कितने दिन तक ये आंदोलन चलेगा, लेकिन हाँ हमें ये पता था कि ये हम हार के नहीं जाएंगे, हम अपनी मांगे मनवा के जाएंगे, ये उम्मीद थी। क्योंकि मैं वो लेडी हूँ जो पहले दिन जब सिंघू बॉर्डर पे आए थे किसान, तो आंसू गैस के जो गोले चले थे वो हमारे ऊपर ही चले थे। अच्छा। तो हमने जब वो सहे हैं, सर्दी गर्मी बरसात सही है, कोरोना सहा है, तो ये तो कोई सरकार है तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं। जब हम प्रकृति से लड़ गए तो सरकार तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है हमारे। अच्छा, लिए आपने एक साल इन बॉर्डर्स पर गुजारे हैं, कितनी सारी यादें लेकर जा रहे हैं? एक साल ग्यारह महीने हो गए हमें, और यादें तो इतनी ज़्यादा है कि अगर हम एक किताब लिखने चले ना तो उस पर एक पूरी किताब लिखी जाएगी। अच्छा, एक तरफ आप लोगों को खुशी हो रही है कि आपका जो चुनाव आया है तो उन्होंने याद किया किसानों के, चुनाव नहीं होता उत्तर प्रदेश का याद नहीं करते। मैडम तो स्वागत में थी, मैडम का आपने अगर बैनर गौर से पढ़ेंगे तो दिल्ली देहात संगठन, हम तो वो हैं। और आज हम इसलिए यहाँ पे आए कि दिल्ली देहात, दिल्ली शहर, दिल्ली प्रशासन और दिल्ली पुलिस और केंद्र की सरकार की तरफ से हम माफ़ी मांगने आए हैं कि हमारे शहर में देश का किसान आया था और इन सब प्रशासनों ने और इन सब सरकारों ने उसकी फजीहत करी, उसके साथ दुबात करी, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। हमारा दिल, हमारे गांव, हमारे घर खुले हैं इन किसानों के लिए, और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन के मात्र स्थगित हुआ है, ध्यान रहे, आंदोलन सिर्फ स्थगित हुआ है, सरकार ने दोबारा अपनी आतंक जुमलेबाजी करी तो इससे भी बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। तो ये देखिए यहाँ की जितने भी किसान आए थे यहाँ से जा तो रहे हैं, एक अच्छी बात उन्होंने कही कि जितना सामान ये लेकर आए थे, जितनी चीज़ें इन्होंने यहाँ रखी थी वो सब ये सफाई करके जा रहे हैं, कुछ भी इस रोड पर नहीं छोड़ के जा रहे कि इनके जाने के बाद सवाल उठाया जाए। किसान आए थे और इन्होंने इस तरीके से रोड को गंदगी मचाकर और इन सब सामानों को सफाई कर जा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है। मुझे खुशी इस बात की है, ये एक साल के बाद जा रहे हैं और जो 15 तारीख की किसान मोर्चे की मीटिंग है वो फैसला लेगी, उस मीटिंग के बाद जो भी आएगा हम उसका निर्णय करेंगे।
लेकिन एक बात कहना चाहते हैं, स्थगित हुआ आंदोलन उठा नहीं। हम बताना चाहते हैं सरकार को, ताना शाह सरकार थी, जिन लोगों ने आप लोगों ने देखा दिखाया भी है, हम चैनल वालों का धन्यवाद भी करते हैं, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत जात की है। सरकार नहीं थी, अहंकारी राजा था, उसका गुरूर तोड़ने के लिए हम सभी इंसान हैं, ये पूरे भारत देश का इंसान है, मैं इंसान मानता हूँ, और किसान कौन सारी इकट्ठी होती है, ये जंग जो लड़ी है जीती है। इससे बड़ा एक आंदोलन और होने वाला है 2023 के अंदर, मैं बताना चाहता हूँ, अगाऊ है ये। पूरे भारत देश का युवा बच्चा बेरोजगार जो आज ये आंदोलन है, इससे भी बड़ा एक आंदोलन होने वाला है, क्योंकि इतनी बेरोजगारी है, इतने युवा हैं, आस करते हैं ये मंत्री संतरी बैठ के अपने बच्चों को लगा देते हैं, हमारे बच्चे पढ़ते हैं तब भी नहीं लगते। आपने देखा होगा हरियाणा में 2-2 करोड़ एक चेयरमैन के पास पाते हैं, हमने वहाँ भी आवाज़ उठा रखी है, हम हरियाणा से शुरू करेंगे और पूरे भारत देश को बेरोजगारी के नाम से इकट्ठा करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, इस राजा को अहंकार का तोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि नौकरियाँ बिकती हैं, मेरे छोटे छोटे गरीब आदमी बच्चे पढ़ते हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिलती। मैं आभार प्रकट करता हूँ आपका। दयारे शोक से एक आफ्ताब आया है, उठो ऐ जिंदा दिलो इंकलाब आया है, वो इंकलाब जो उबला है आज सीनों से, जो निकला है हक के जिनों से, वो तख्तो ताज को तेरे उखाड़ डालेगा, पर्दाए जुल्मत को फाड़ डालेगा। ये नौजवान बचाने चले हैं आज वतन, नीम जिंदा उधड़े हुए बेचोस बदन, लहू लोहान है जिस्म लेकिन थकान ना आएगी, इन दमकते चेहरों पे अब शिकन ना आएगी। एक जो वीरता और अहिंसा के रास्ते पे जो लड़ाई लड़ी गई है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले, ये एक मिसाल कायम करेगी भारत के अंदर। अगर किसी भी प्रकार का गरीब मजदूर किसान पे शोषित बरता जाएगा तो मुट्ठी बंद करके शहीद भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद करेंगे और लड़ाई को जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। और एक जो अभी भी बचा हुआ है वो भी उम्मीद है कि जल्द पूरा हो जाए। तो हम यही चाहते हैं कि आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे थे उनकी जीत है आज। ये देश की पूरी जनता शायद ही इस आंदोलन को भूल पाएगी, तो हम चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। और इस पूरी वीडियो पे आप लोगों की क्या राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन खुशी लाल के साथ मैं दिव्या छलकोई दिया।